हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर के और न्यूमरिकल्स डिस्कस करेंगे ओके okay. तो ये हमारा आज का न्यूमेरिकल है कुछ न्यूमरिकल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे तो आज हम लोग इसे स्टार्ट करें द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ अ पीस ऑफ मेटल ऑफ ऑटोमिक वेट है ना यहाँ पे ऑटोमिक वेट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सिक्सटी पॉइंट आर एरिया दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड इफ एवरी आइटम कंस्टीट्यूट वन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कैलकुलेट द ड्रिफ्टिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैरी ठीक है सबसे पहले एक समझना चाहिए ऑटोमिक वेट दिया हुआ है ओके विच इज एम नॉट एम नॉट इज सिक्सटी पॉइंट टू थ्री इंटू टेन टू द पॉवर माइनस थ्री के जी ऐसा पकड़ेंगे हम लोग है ना ऑटोमिक वेट वैसे यूज करते हैं हम लोग सिक्सटी पॉइंट टू थ्री अब ऑटोमिक वेट में कितने आइटम्स होते हैं यानी सिक्सटी पॉइंट टू थ्री इंटू टेन टू माइनस थ्री के जी में जो नंबर ऑफ आइटम रहेंगे वो रहेंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री है ना सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री आइटम्स रहेंगे इतने आइटम्स रहेंगे और क्या बोला यहां पे? हर एटम एवरी एटम कॉन्स्टिट्यूट वन फ्री इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने आइटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन तो 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द ट्वेंटी थ्री समझ में एरिया दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है टेन टू दॉर माइनस टू मीटर स्क्वायर लेंथ दिया हुआ है वन मीटर डेंसिटी दिया हुआ है डेंसिटी को डी से डिनोट करेंगे रेजिस्टिविटी होता है ना हमारे लिए तो डेंसिटी डी इज फाइव इंटू टेन टू द पावर थ्री के जी पर मीटर क्यूब ओके और करंट दिया हुआ है फोर्टीन एम्पियर अपने को निकालना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी स्मॉल एन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हम लोगों को जो चाहिए वो चाहिए क्या क्या चाहिए होता है हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए अब पहले मास निकाल लेते हैं मास कितना रहेगा मास कैपिटल एम वो रहेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो मास कितना हो गया डेंसिटी कितना है यहां पे फाइव इंटू टेन टू द पावर थ्री इंटू वॉल्यूम कितना होता है एरिया इंटू लेंथ टेन टू द पावर माइनस टू इन वन तो मास आ गया फिफ्टी के जी ठीक है मास फिफ्टी के जी हो गया ठीक है क्लियर ओके एरिया एक काम करो पहले तो एरिया को चेंज कर दो इसको माइनस सिक्स कर दो कुछ चेंज हो गया था तो आंसर बहुत अलग आ जाएगा अजीब आएगा इसको टेन टू द पावर माइनस सिक्स कर देते ठीक है तो यहां पे टेन टू द पावर माइनस सिक्स तो ये आ गया फाइव एन टू टेन टू तो दर माइनस थ्री के जी ठीक है समझ में फाइव एंटू टेन टू तो दर माइनस थ्री अब इसका मतलब ये है हमको यहां से समझ में आना चाहिए एम नॉट मास में एन ए या फिर एन इलेक्ट्रॉन से ठीक है ठीके? तो एम मास में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे है ना? M0 मास में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है थीके? तो एम मास में एक्स रहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कितना हो, M into N upon M0, हो गया एम एन टू एन अपॉन एम नॉट ठीक है ये हो गए इतने इलेक्ट्रॉन्स, अपने को निकालना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एरिया लेंथ तो लेंथर फॉर एन इज इक्वल टू पहले एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से पावर माइनस पावर ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्सटी पॉइंट टू थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री ये टेन जा हो गया टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री टेन टू द पावर माइनस टू माइनस टू ऊपर गया प्लस टू है ना तो बन गया ये प्लस टू और ये माइनस थ्री कितना हो गया प्लस टू माइनस थ्री माइनस वन तो ये बन गया ट्वेंटी टू है ना समझ में कैल्कुलेशन फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू आ गया अब ये सब्सटीट्यूट कर देंगे यहां पे x के जगह फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू अपॉन एरिया कितना है यहां पे टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू लेंथ लेंथ की जगह वन मीटर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना हो गया फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट पर मीटर क्यूब यानी दिस मच इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब कैलकुलेशन से कैलकुलेशन में कंसेप्ट वाला बहुत जरूरी था समझ में आया ना सबको कि एटॉमिक वेट में एनए जितने एटम्स होते हो एन ए जितने आइटम्स एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने है. तो एम मास में कितने रहेंगे ठीक है समझ में आए सबको एक कॉन्सेप्ट अब बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी होते हैं तो वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए तो वीडी इज इक्वल टू आई कितना है फोर्टीन अपॉन एन कितना आया फाइव इंटू टेन टू द पॉवर ट्वेंटी एट ये वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पॉवर माइनस नाइनटीन और एरिया कितना है टेन टू पावर माइनस सिक्स देयर फोर इज इक्वल टू फोर्टीन अपॉन फाइव इंटू वन पॉइंट सिक्स इज एट अब टेन का पावर कितना हुआ ये ट्वेंटी फाइव और ये हो गया ट्वेंटी एट यानी टेन टू पावर थ्री देयर फोर वी डी इज इक्वल टू अब ये कितना हो गया टू सेवन सा टू फोर सा डिवाइड किया तो वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड समझ में है सभी को तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके okay. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन टू माइनस थ्री क्लियर विद दिस हाँ सिंपल था ये चीज हाँ ओके तो सभी ने नोट डाउन कर लेना है इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट ओके फाइंड द टोटल मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ लेंथ दिया हुआ है 1000 मीटर कैरिंग अ करंट 64 फोर और कुछ डेटा मिसिंग है क्या इसमें नहीं ओके okay. अब सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मुलेज कौन से कौन से है? देख लो एन ई ए वी डी ये एक फॉर्मूला है मोमेंटम निकालना okay. है अपने को ओके और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है सॉरी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एक्सट्रीमली सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन कैपिटल एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ ठीक है अपने को निकालना है टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अब चालू होता है अपना यहां से फाइनल फेज टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स P इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास इंटू वेलोसिटी ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जगह हम लोग क्या सब्सिट्यूट कर सकते हैं यहां पे, n a l इंटू मास और vd के जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहां से I अपॉन -E है यहां से। अब क्या कट हो रहा है एन कट हो रहा है ए कट हो रहा है तो क्या बचा एम एल आई अपॉन ई एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू द पॉवर माइनस थर्टी वन इन लेंथ कितना है इसका थाउजेंड यानी टेन टू द पॉवर थ्री लिख दूंगा इसको करंट कितना बोला है यहां पे सिक्सटी फोर अपॉन E कितना है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पॉवर माइनस नाइनटीन सिक्सटीन फोर्टीजा क्योंकि सिक्सटीन फोर सिक्सटी फोर होता है तो वन पॉइंट सिक्स तो इन दोनों को कैलकुलेट किया पी इज इक्वल टू फोर्टी इंटू नाइन पॉइंट वन इज नाइनटी वन इंटू फोर फोर थ्री सिक्स थ्री सिक्सटी फोर टेन का पावर देखो ये हो गया माइनस नाइनटीन प्लस ऊपर गया प्लस नाइनटीन यानी ट्वेंटी टू थर्टी वन में से ट्वेंटी टू माइनस किया तो माइनस नाइन है ना माइनस नाइन आएगा आ? हाँ ट्वेंटी टू नाइन करेक्ट के जी मीटर पर सेकेंड तो ये हो गया मोमेंटम देखा यहां पे कंसेप्ट क्या यूज हुआ बस मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एन और मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी मास एन वेलोसिटी वीडी डी का फॉर्मुला यहां से डालो क्योंकि चीजें अपने पास में दो ही दी थी नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि एरिया नहीं दिया था क्योंकि एरिया कट हो जा रहा है यहां से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कट हो जा रहा है है ना ये कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसको तो ध्यान में रखना है ओके okay. सो so, अब अब हम लोग इस एग्जाम्पल में बात करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन मेटेलिक वायर ऑफ डेंसिटी डेंसिटी दिया हुआ है यहां पे कितना दिया हुआ है टू दावर फोर के जी पर मीटर क्यूब ऑटोमिक मास एम नॉट ये दिया हुआ है हंड्रेड इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री के जी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज वन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है ठीक है अब हमको मालूम है एम नॉट में एन ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे क्योंकि एन ए एटम्स रहेंगे और हर एटम का एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा है ना तो एम मास में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स एम मास में कितने इलेक्ट्रॉन लेटर से एन तो देर फॉर एन इज इक्वल टू फॉर्मूला यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एम इन टू एन ए अपॉन एम नॉट ठीक है यहां तक आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया एम इन टू एन ए अपॉन एम नॉट अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी टू एन ए अपॉन एम नॉट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डेंटी पॉवर फोर एन एक्स पॉइंट इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री कितना हो गया टेन टू दॉर माइनस वन ठीक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना हो गया इसको सोल्व किया तो सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री पावर कितना आएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी है ना ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस वन सॉरी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी एट प्लस वन होगा यहाँ पे प्लस वन होगा माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन होगा ना तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ठीक है समझ में आया सबको ये नेक्स्ट free electron density is 8.5 into 10 to the power 28 and you know, electron density 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube how long does an electron take drift from one end to other, other end of wire which is length just the y3 meter area of cross section a is equal to 2 centimeter square and you know, 10 to the power minus 4 meter square करंट दिया है थ्री एम्पियर हाउ लॉन्ग यानी टाइम निकालना है ओके okay. अब अपने को इक्वेशन जो मालूम है आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी तो देर फोर वीडीज इक्वल टू आई अपॉन एनई ए ना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो दे फोर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आएगा यहां पर आई अपॉन एन ई ए विच इज एल एन ई ए अपॉन आई सभी वैल्यू सब्सिट्यूट करो एल का वैल्यू कितना है थ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पॉइंट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट ई कितना वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन एरिया कितना टू इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर अपॉन करंट कितना है यहां पर थ्री

तो ये आ गया ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू इंटू टेन टू द फाइव सेकेंड चेक कर लो समझ रहा है क्या है ना आसान था ये चीज ठीक है क्लियर है चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं अभी कंसिडर वायर ऑफ लेंथ वन जीरो पॉइंट वन मीटर यानी लेंथ दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन मीटर थ एरिया ऑफ प्रोसेक्शन वन एम एम स्क्वायर यानी वन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू फाइव वोल्ट फाइंड द करंट थ्रू मेटालिक वायर करंट निकालना है मोबिलिटी दिया है म्यू कितना दिया है फोर्टी फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है एट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट मीटर क्यूब ठीक है समझ में आया सबको हां ओके करंट निकालना है करंट कैसे निकालेंगे मोबिलिटी वगैरह यूज करके ओके करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है वी बाय आर यानी क्या होता है रो एल बाय ए है ना रो एल यूज़ करेंगे क्लियर

इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V एन टू एल्वी होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इज V एन टूल्व क्योंकिवल टू ई बाय होता है ना सॉरी E इज इक्वल टू वी बाय होता है सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी E इज इक्वल टू वी बाई एल तो E के जगह V बाई एल यूज करेंगे एक्सट्रीमली सॉरी तो बस सभी वैल्यूज है भाई हमारे पास में देखो यहां पे I इज इक्वल टू का वैल्यू कितना है यहां पे एट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पॉवर माइनस नाइनटीन एरिया कितना है पावर माइनस सिक्स मे कितना है मोबिलिटी फोर्टी फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया फाइव अपॉन लेंथ कितना है यहां पे लेंथ इसको कैपिटल एल लिखना चाहिए था बी L, लेंथ कितना दिया है जीरो पॉइंट वन ठीक है बस कैलकुलेशन मारना है बहुत बड़ा कैलकुलेशन है फाइव एट्स ऑफ फोर्टी हो जाता है है ना तो ये अगर पूरा सॉल्व करोगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं बस एक सिंपल इक्वेशन यहां पे कंसेप्ट खत्म हो गया था देखो ये से स्टेप से ये स्टेप ये स्टेप से ये स्टेप आगे सिर्फ मैथ्स है इसका कैलकुलेशन करो लेकिन तुम लोग हां इसका आंसर जो आएगा वो आएगा थ्री पॉइंट टू एमपियर थ्री पॉइंट टू एमपियर आएगा इसका ओके समझ में आया सबको तो ये एक कंसेप्ट अपने को याद रखना है ओके क्लियर विद दिस तो ये एक कॉन्सेप्ट था इंपॉर्टेंट वाला अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा न्यूमेरिकल का विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल वैरिंग कैरिंग अ करंट ये लेंथ है कैरिंग करंट आए हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेर लीनियरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियरली बढ़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ग्रेजुअली लीनियरली बढ़ रहा है मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसा बढ़ रहा है है ना थोड़ा थोड़ा जैसे एक सेंटीमीटर में जितना बड़ा अगले से एक सेंटीमीटर में उतना ही बढ़ेगा तुमको क्या निकालना है कैलकुलेट द करंट डेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लेफ्ट एंड अब करंट डेंसिटी जो है वो रहेगा आई बाई ए आई बाई ए फॉर्मूला है तो तुमको क्या करना है एक्स डिस्टेंस पे जो ये बनेगा क्रॉस सेक्शन उसका एरिया निकालना है ठीक है अब स्वाभाविक बात है चेंज इन रेडियस देखो एक एक स्टेप चेंज इन रेडियस कितना है बी माइनस ए इधर बी है इधर ए है तो बी माइनस ए तो अगला स्टेप क्या लिख रहा हूं देखो मैं चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ दैट इज बी माइनस ए बाई स्मॉल एल है ना बी माइनस ए बाई स्मॉल एल क्लियर विद दिस स्मॉल एल चाहिए था स्मॉल एल उसका एल है तो पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ के लिए चेंज इतना होता है ओके नाउ एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लेफ्ट एंड ओके रेडियस विल बी इक्वल टू ऑलरेडी रेडियस कितना है ए प्लस और कितना बड़ा चेंज पर यूनिट लेंथ इन टू ले समझ गए चेंज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ क्योंकि इतने में इतने में यहां से यहां जब जाओगे तो रेडियस कितना इंक्रीज होगा चेंज चेंज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ समझे ना ये चीज वापस लिख देता हूं चेंज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ इतना रेडियस बड़ा ऑलरेडी कितना था ए इतना बड़ा तो यहां पे कितना हो गया इसमें ए ऐड कर दो समझे अब रेडियस मिल गया ए कितना होता है पाए रेडियस स्क्वायर यानी ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स होल स्क्वायर तो करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू आई अपॉन ए कितना पाए ए प्लस बी माइनस ए बाय एक्स होल स्क्वायर